गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। टुडे वी आर स्टार्टिंग लेसन नंबर 16, ट्राइंगल्स। तो देखिए बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जो थ्री साइड से मिलकर बने होते हैं वो ट्राइंगल्स कहलाते हैं। नाउ वी आर स्टडी अबाउट ट्राइंगल्स। देखिए ये जो शेप आपको दी गई है उसमें ए बी सी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब एक लाइन में नहीं है, ये तीन पॉइंट्स हैं। और इन तीनों पॉइंट्स को जब हम जॉइन कर देते हैं तो हमें जो फिगर मिलती है वो कहलाती है ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर थ्री साइड्स रहती हैं, थ्री एंगल्स रहते हैं। आप सभी जानते हो एंगल्स, जहाँ दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को मीट आउट करते हैं, तो वहाँ पर जो मेजर होता है जैसे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इन दिस फिगर। तो एक ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल्स होते हैं, थ्री साइड्स होती हैं, थ्री वर्टिसेस होते हैं। थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल टुगेदर कॉल्ड द सिक्स पार्ट्स। तीन साइड्स और तीन एंगल्स मिलकर ट्राइंगल्स के सिक्स एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, या जिनको हम सिक्स पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल भी बोलते हैं। वर्टेक्स आप सभी को पता है, वर्टेक्स का मतलब होता है कोने। तो ए बी सी तीन कोने एक ट्राइंगल के अंदर हैं। एंगल ए इज़ अ वर्टेक्स। ए जो है इस शेप के अंदर, ए एक वर्टेक्स है और इसके अपोजिट में जो साइड है वो बी सी है। बी वर्टेक्स है तो इसके अपोजिट में साइड है ए सी, और सी वर्टेक्स के अपोजिट में साइड है ए बी। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं अगर एवरी एंगल ऑफ वन इज़ इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द अदर एंड एवरी साइड ऑफ वन इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर। मतलब तीन एंगल्स और तीन साइड्स अगर एक ट्राइंगल की इक्वल होती हैं, करस्पॉन्डिंगली इक्वल होती हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाते हैं। ट्राइंगल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल होते हैं, और बाहर की तरफ जो पॉइंट्स हैं वो एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आपको दिए हुए हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स भी इसके बराबर ही होते हैं। और तीनों एंगल्स जब बराबर हैं, और आपको सभी को पता है कि ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो तीनों ट्राइंगल्स 60-60 डिग्री के बन जाते हैं। आइसोस्केलस ट्राइंगल, जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, एक साइड अनइक्वल होती है। स्केलिन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, वो स्केलिन ट्राइंगल कहलाता है। पैरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, तो पैरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स पैरीमीटर। एक्यूट ट्राइंगल कैसा होता है, अभी जो हमने ट्राइंगल्स पढ़े वो अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स थे, लेंथ ऑफ द साइड्स। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो एक्यूट ट्राइंगल क्या होता है, जिसके जो एंगल्स होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री के होते हैं, तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम के होते हैं, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। नेक्स्ट राइट ट्राइंगल, इसके अंदर एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और बाकी के दोनों फिर एक्यूट एंगल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल इसका 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर 60 डिग्री, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल बनता है वो, जो दो एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। स्केलिन ट्राइंगल में हैज़ नो टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। एंगल्स हम प्रॉपर्टी देख लीजिए, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री और टू राइट एंगल्स, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ट्वाइस ऑफ राइट एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल, एक ट्राइंगल में एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, और सम ऑफ टू एक्यूट एंगल, राइट ट्राइंगल में एक्यूट एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री होता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं बच्चों, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ फॉर एक्सरसाइज 16A, देन यू कैन डू योर वर्क।
वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय.